डियर मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के समय में हमारे किन किन हिस्सों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उन्हीं कुछ अंगों के बारे में बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि हर लेडी को ऐसा हो, कुछ लेडीज़ों को होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को कम होता है, कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में किन किन हिस्सों में स्वेलिंग आती है, कौन से अंग सूज जाते हैं, तो उन अंगों के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा प्रेगनेंसी में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरों की। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के समय कुछ महिलाओं के पैर सूज जाते हैं, इतने भारी पैर हो जाते हैं कि वो चल भी नहीं पाती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर सूज गए हैं तो ये गर्भावस्था की एक स्टेज है, प्रेगनेंसी की एक स्टेज है, जो कि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाएंगी। तो आपको घबराना नहीं है कि आपकी अगर पैर सूज गई हैं। पैरों में स्वेलिंग को कैसे ठीक करें, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुजली भी होती है और आप चल नहीं पाते हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, एक टब लीजिए, उसमें गर्म पानी डाल लीजिए और उसमें आप हल्का सा सेंधा नमक 1 या 2 चम्मच डाल लीजिए टब में, और उसमें अपने पैर डुबो के रखिए, तो आपकी जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल छुमंतर हो जाएगी और आपके जो मसल्स हैं वो भी एकदम फ्लेक्सीबल हो जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। तो पहला मैंने आपको बता दिया पैरों में स्वेलिंग, दूसरा मैं आपको बताती हूँ पिंडलियों में। सेम हमारे जो लेग्स होते हैं वो भी इतने भारी हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और हम सेम जो हमारे पैरों में दिक्कत होती है वही पिंडलियों में होती है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है पिंडलियों में। तो अगर आपकी पिंडलियों में भी दर्द हो रही है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी का एक पार्ट है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे तो पैर बहुत सूज गए, मेरी पिंडलियाँ सूज गई हैं और इतना दर्द करती हैं कि आप एक स्टेप भी नहीं रख पाते, तो आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है। गर्म पानी कीजिए, उसमें सेंधा नमक डालिए, उसमें टॉवल निचोड़ लीजिए और उस पानी से अपने लेग्स पर 1-2 बार उसको पोंछिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और स्वेलिंग भी आपकी कम हो जाएगी। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, तो फीट में और लेग्स में। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि हमें बैठने में, उठने में और सोने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में भी आपको नहीं घबराना है, आपको सिंपली हॉट वाटर से, यानी गर्म पानी से, हॉट वाटर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी जिसको कि आप सहन कर सकें, उस पानी से आप नहाइए। तो उससे क्या होगा, आपके जो पार्ट्स हैं उनमें एक सेक मिलेगा और आपको मूवमेंट करने में भी आराम मिलेगा और दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो और कहाँ स्वेलिंग आती है, हमारे आपने मसूड़े देखे होंगे प्रेगनेंसी में, किसी किसी के मसूड़े जो सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है और उनमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का हिस्सा है। अगर आपके साथ इस तरीके से हो रहा है कि आपके गम्स सूज गए हैं, स्वेलिंग आ गई है और उनमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आप गुनगुने पानी को पीते रहिए, उनसे आप गार्गल भी कर सकते हैं, ठीक है। गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से आप गार्गल करेंगे तो मसूड़ों में राहत मिलेगी, एक सिकाई मिलेगी और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा किसी किसी की नोज मीन्स क्या होती है, सूज जाती है, ठीक है। तो पहले टाइम में कहते थे कि लड़की होने के संकेत हैं, तो ऐसा तो ये तो सिर्फ कही सुनी बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। अगर आपकी नोज सूज गई है तो वो भी एक प्रेगनेंसी का हिस्सा है। लिप्स सूज जाते हैं, काफ़ी मोटे मोटे लिप्स हो जाते हैं, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फेस की स्वेलिंग। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में किसी किसी का फेस बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, बहुत ज़्यादा फूला फूला है, उसके आपको जो बोन्स, जो चीक्स बोन्स है वो फूली फूली लगेंगे, उसके जो चीक्स हैं वो आपको फूले फूले लगेंगे। तो ये भी प्रेगनेंसी के कारण होता है कि हमारे हाथ पैर तो पतले पतले नज़र आएंगे लेकिन हमारा जो फेस है वो काफ़ी हैवी नज़र आएगा, तो ये भी प्रेगनेंसी के कारण होता है। लास्ट और पॉइंट की बात करूँगी वो है हमारे ब्रेस्ट में का हैवीपन हो जाना, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना।
तो वो कोई स्वेलिंग नहीं होती, वो थोड़े हैवी हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड के लिए प्रिपेयर करने करने लगती हैं। तो आपने देखा होगा आपके जो स्तन हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होती हैं, वो ब्रेस्ट फीड के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर भी बदलाव आता है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ 7-8 पार्ट्स बताए जिनमें कि स्वेलिंग आ जाती है, मीन्स जो हैवी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रेगनेंसी के कारण ही होता है, प्रेगनेंसी में आए जो हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।